हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज और एक्सपेरिमेंट चैनल में हमारे फिर से एक बार आपका स्वागत है। और हमेशा से ही मैं भाई कुछ ना कुछ नया लेके आपके लिए आता रहता हूं मैं। और आज फिर से मेरे पास ना भाई एक चीज है जिसको हम बोलते हैं पेट्रोल। अब पेट्रोल से तो भाई हर कोई गाड़ी चलाता होगा और पेट्रोल की ताकत तो सबको मालूम होगी, बट क्या होगा जब पेट्रोल हम इस चीज में ऐसे ही डाल दें, तो क्या लगता है कुछ होगा उसमें? चलिए देखते हैं, उसका कुछ रिएक्शन किसी के साथ में कुछ कर पाता है कि नहीं। चलिए हम पहले डाल के देखते हैं इसको थर्माकोल में क्या रिएक्ट करता है। मुझे तो लगता है बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नए हैं पुराने वाले भाई लाइक कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें। और चलिए जल्दी से करते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट शुरू। तो हमको सबसे पहले तो ग्लास में लेना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको डाल लेते हैं। और ये हमको डाल लिया यहाँ पर, और भाई इसका कैप बंद कर लेते हैं। और अब हम ट्राई करते हैं छोटे थर्माकोल में, देखते हैं। ओह, ये तो भाई जबरदस्त बुलबुले से कुछ निकले यहाँ पे। थोड़ा क्लोज से दिखाना चाहूँगा। ओह देखिए, ओहो भाई ये तो मतलब इतना जबरदस्त रिएक्ट हो रहा है यहाँ पे और ये गलता जा रहा है, उसको मतलब पेट्रोल कूलर निकल ले। अब मुझे भाई कुछ इसी टाइप की चीज़ों का उम्मीद था, बट इतनी तेजी से ये इसको निकल रहा है, देख सकते हैं आप ये। ओहो, मतलब थर्माकोल कहीं गायब तो हो गए। दिखाना चाहूँगा जैसे मैं टच किया और ये भैया पूरे को गला रहा है, देख सकते हैं पूरी तरह से गलते जा रही है हमें थर्माकोल और बुलबुला से उठ रहा है। फिर से आपको करके दिखाऊं भाई, ये देखिए भाई ये बुलबुला था और मज़ेदार है भाई, बिना कोई रिस्क लिए मतलब ये इतना अच्छा रिएक्शन यहाँ पे दे रहा है ना। ओह ये गजब का रिएक्शन है इसमें। और डाल सकते हैं इसमें, और अंदर में कुछ चिपचिपा सा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मैं हिला रहा हूँ। और जितना तेज मैं उसको हिला रहा हूँ ये उतनी तेजी से तो गला रहा है। ये और देखते हैं इसको जाने से क्या रिएक्ट करता है। ये थोड़ा बड़ा ठीक लेते हैं और ये ना भाई पूरा खा चिपचिपा सा देखिए, देख सकते हैं। पेट्रोल जो है ना भाई थर्माकोल के लिए पूरी तरह से एसिड का काम कर रही है यहाँ पर। और दिखाना चाहूँगी आप पूरा चिपचिपा चिपचिपा होता जा रहा है और देख ही सकते हैं ये छेद हो गया भाई, मैं आपको आर पार यहाँ से देख सकता हूँ। ये है भाई थोड़ा सा पेट्रोल मैंने डाला इसमें और ये पूरा गलता जा रहा है और ये पूरा चिपचिपा से होता जा रहा है यहाँ पर। कभी भी आप थर्माकोल को पेट्रोल हमेशा दूर रखेंगे भाई, वरना ये आपका थर्माकोल खा जाएगी। ये देख सकते हैं आप थर्माकोल हमारा निकलता जा रहा है। चलिए थोड़ा सा थर्माकोल में हम इस पर डाल के देखते हैं, काफ़ी हाइट बना के रखी है हमने। तो चलिए इस पर देखते हैं क्या होता है, थोड़ा थर्माकोल तोड़ लेते हैं। और भाई ये देखिए वही रिएक्शन, बात रही है मतलब जबरदस्त रिएक्शन है और ऐसा लग रहा है बुलबुला सा अंदर से निकल, जैसे कुछ पानी गर्म होती है ना भाई, ये कुछ उसी टाइप का रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप भी देख सकते हैं, ये देखिए जैसा कुछ पानी को अपन गर्म करते हैं नीचे से झाग से निकलता है ना। और भाई मुझे तो एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं था कि इतना सारा थर्माकोल या थोड़ा सा पेट्रोल निकल जाएगा तो भाई, लेकिन मेरे पास जितना बचा है मैं कोशिश करता हूँ सबको डालने की इसमें। ओ वो तो भाई मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा जा कहाँ रही भाई ये थर्माकोल। और ये अंदर में ना कुछ आटा जैसा गोल सा कुछ चिपचिपा गो गम जैसा बन रहा है भाई, और जितना हम इसमें डालते जा रहे हैं उतना ही होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है वो। ये देखिए ये तो गजब तक है, और हाथ धो लेता हूँ मैं चिपचिपा तो मुझे भी लग रहा है, तो ये मैंने धो लिया। अब एक काम करते हैं, बहुत सारा एक साथ रखते हैं फिर देखते हैं कि कैसा रिएक्शन देता है भाई, कुछ आता ही नहीं कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसके ऊपर ना भाई मैं डालता इसको, और भाई गोंद भी इसमें चले गई है
भी देख सकते हैं ये कैसे गिर रहा है, ये किसी गोंद की तरह गिर रही है। और क्या नजारा है, ये टूट के देखिए भाई गलता जा रहा है। और मेरा हाथ भी भाई चिपचिपा सा हो रहा है और जो मुझे अजीब सा भी लग रहा है, बट मजा भी आ रहा है देखने में, तो रुकूंगा नहीं और भी जितने पेट्रोल मेरे पास है सबको डालना चाहूंगा मैं इसमें। तो और ये पूरा थर्माकोल देखिए, इतना सारा अपने पास थर्माकोल गायब हो चुका है। ओ ये पिरामिड मेरा टूटने वाला था, बच गया। थोड़ा देर रुक जाए यार, थोड़ा और पेट्रोल डालते हैं फिर देखते क्या होता है। अच्छा ये अच्छा होगा, अभी डालता हूँ और नहला देते इसको। और देखिए अभी ये तो पूरा गलता गया पेट्रोल का छन्ना जो है ना, क्या हो रहा है अभी भी और डालूंगा मैं। ऊपर दिखाना चाहूँगा मैं। और भाई ऊपर से तो भाई ये देखिए कितनी तेज़ी से भाई ये इसको गायब कर रहा था माहौल। ये पेट्रोल नहीं भाई, ये तो कुछ एसिड ही लग रहा है मुझे यहाँ पर, है इसके लिए तो किसी एसिड से कम नहीं। और भाई देखते हैं इसी थर्माकोल की क्या होता है। और भाई ये है हमारी पेट्रोल की ताकत, जब तुम थर्माकोल मिलाओगे ना तो उसकी ताकत ये कुछ इस तरीके से होगी। ये देखिए कितना सारा थर्माकोल हमारे पास था और अब आप देख सकते हैं कितना सा बचा हुआ है, और वो भी किस फॉर्मेट में भाई, किसी गम की तरह ये देखिए चिपचिपा सा रह गया है। और कितना थोड़ा पेट्रोल, हमने 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं लिया था, 200 ग्राम के आसपास मैंने लिया था पेट्रोल। और भाई अभी भी आपको दिखाऊंगा मैं, दो गुण पेट्रोल में अभी ये काफ़ी सारे थर्माकोल को ये देखिए क्रिएट कर रहा है। ये हो गया हमारा भाई आज का थर्माकोल को गलाना। चलिए देखते हैं, तो जला के देखते हैं क्या काफ़ी ईंधन होगी, पेट्रोल को जलता है तो हो सकता है इसके अंदर में इसका जो मेन सोर्स होगा जलाने का क्या वो बचा होगा। चलते हैं जल्दी से, लेकिन घर में नहीं करेंगे भाई इसको, हम चलते हैं बाहर की तरफ और वहाँ जाके हमको जलाएंगे, फिर देखते हैं भाई कि कैसा रिएक्ट करता है आग के साथ में। और भाई घर में ना टपक जाए ये, कि मुझे लग रहा है कि फोन से कम नहीं है तो खाली है। और भाई हमने 10 मिनट इसको छोड़ा है और अब ये जैसे जमता सा जा रहा है, तो एक बार इसमें हम कोई चीज़ चिपका के देखते हैं भाई, ये ग्लू जैसा दिख तो रहा है क्या, काम भी ग्लू जैसा करेगा। तो भाई आपको दिखाना चाहूँगा, हमको थोड़ी बड़ी लकड़ी चिपका के देखते हैं और भाई उसके बाद में इसको जलाने की ट्राई करेंगे अपन, इसको चिपका लें। ये देखते हैं थोड़ा फैला लेते हैं अच्छे से, चिपका देता हूँ इसको। अब थोड़ी देर हम इसको छोड़ देंगे, देखेंगे बाद में यहाँ पर क्या हुआ इसका हाल। और ये वही लकड़ी का दो टुकड़ा है जिसको हमने इसमें चिपकाया था, और अब निकालने में लगा ये काफ़ी मजबूती से चिपका हुआ था, और सूखने के बाद ये ना भाई
बहुत हद तक इतना मजबूत हो गया कि फेविकॉल से आसपास पहुंच ही गया ये मजबूती के मामले में, ये देख सकते हैं। तो भाई ये बहुत अच्छा गम का भी काम करता है, बट जो इसकी बदबू है ना भाई, बहुत अजीब सा है, पेट्रोल से मिक्स है। तो देख सकते हैं आप भी इसका गम जो है, और ये है हमारा थर्माकोल जो कि पेट्रोल से मिला हुआ था, और दिखा सकते हैं बस ऐसी अगर फोटो इसी डाल देंगे अपन। वही तो बोल रहा था मैं, हम देखते हैं कि पेट्रोल की वजह से आग इसमें लगती ही नहीं। तो चलिए जल्दी से आग लगा देता हूँ मैं इसमें। जबरदस्त है ये तो, दिखाना चाहो भाई, काफी तेज आग और काला काला से धुआं इसमें उठ रहा है। नॉर्मल धुआं वाइट होता है, जो काला धुआं जैसे हम पेट्रोल जलाते हैं, हवा का जलते हैं, तो धुआं का मिक्सचर है, उसका तो धुआं यहाँ पे निकल रहे हैं। और आज का हमारा एक्सपेरिमेंट भाई यहीं तक है, आज का हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, आज का एक्सपेरिमेंट हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।